एक बात याद रखना, आपको बता रहा हूं तजर्बे से, साइंस से, पैसे को कभी कैरियर नहीं बनाना। बताता हूं क्यों, साइंस है इसके पीछे। एज सून एज यू हैव 1000 रुपीज, अभी तक आपने बचपन में नोट कर लिया होगा कि 1000 रुपए की 10 चीजें आती है ना, तो जैसे आपके 1000 रुपए आते हैं ना, वो 10 चीजें आपको तंग करती हैं कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, ठीक है। 1000 रुपए आते ही आपके पास जैसे 10,000 आएंगे ना, तो वो 1000 वाली चीजें भी, 2000 वाली भी, 3000 वाली भी, 4 और 5, वो सब की सब इकट्ठी हो जाएंगी, मुझे ले लो। 10,000 की कोई एक चीज भी आती है, और 1000 रुपए की 10 चीजें भी आती हैं, और 100 रुपए की 10,000 चीजें भी आती है। सो 100 चीजें, तो 10,000 रुपए से इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्या लूं, क्या लूं, क्या लूं। सोचें जिस बंदे के पास अरबों रुपया हो, उसका क्या होता होगा। हर चीज हर वक्त तंग करती है उसको। अगर एक बंदे के पास मकसद और पैसा इकट्ठा हो जाए तो वह बड़ा आदमी हो जाता है, और एक बंदे के पास बगैर मकसद के पैसा इकट्ठा हो जाए तो सबसे छोटा आदमी हो जाता है। दुनिया हर चीज उससे बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये गाड़ी भी, उसने वो फायदे हैं। वो कभी देखा इस तरह, क्या करूं क्या लूं कुछ समझ नहीं आता, देखा ना वो इस तरह। हाँ, हमें भी, दुनिया के हर इंसान को, क्योंकि पीपल एक्चुअली गो थ्रू द अट्रैक्शन ऑफ थिंग्स, एंड वंस दे नो दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग इट। हमें ये हु कल्चर, वंस यू नो यू कैन गेट दैट पर्सन दैट जॉब थिंग, यू गो फॉर इट। वो कैसे बच्चा, लोगों को मिल रही है, अमेरिका के वीजे खुले हुए हैं तब जाते हैं आप, अमेरिका के वीजे बंद है कोई नहीं जाता। वंस यू नो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इट, ये हु कल्चर। और वाई कल्चर क्या होता है, वंस यू नो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इट, दैट्स व्हेन यू गो फॉर इट। ये है वाई। पाकिस्तान नहीं बन सकता, तब तो बनाएंगे। किस्सा अयूब खान का, घास भी खानी पड़ी बम तो बनाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है तो बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मकसद क्लियर है। जब उसने खाली ये जुमला बोला था ना, घास भी खानी पड़ी तो बनाएंगे, तो सारे हाव वाले आ गए थे, घास की जरूरत नहीं है, वी बिलीव इन योर मिशन, हमें तूने हमें पावर दे दी, हम बना देते हैं तुझे, हम साइंटिस्ट हैं।